हेलो एवरीवन दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे टॉप अपकमिंग इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के बारे में। दोस्तों, नंबर वन पे वर्ल्ड का पहला मोटरेबल वे प्रोजेक्ट है। यह प्रोजेक्ट लद्दाख के ईस्टर्न रीजन में बनेगा। यह प्रोजेक्ट समुद्र सपाटी से 17,800 फीट की ऊंचाई पर बनेगा। यह प्रोजेक्ट दो ग्लेशियरों को जोड़ने का काम करेगा। प्रोजेक्ट को बनाने के लिए BRO को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। यह प्रोजेक्ट BRO के लिए काफी एम्बिशियस है। यह प्रोजेक्ट ससोमा और सरसेला के बीच बनाया जाएगा। यह प्रोजेक्ट से आसपास के लोगों और मिलिट्री ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफी ज्यादा फायदा होगा। यह प्रोजेक्ट लगभग 2023 तक कम्प्लीट हो जाएगा। दोस्तों, अगले इंफ्रा प्रोजेक्ट के बारे में जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सेकंड इंफ्रा प्रोजेक्ट में वर्ल्ड का सबसे ऊंचाई पर बनने वाला रेलवे ब्रिज है। यह ब्रिज चीना ब्रिज के नाम से जाना जाता है। यह ब्रिज जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। दोस्तों, यह प्रोजेक्ट उधमपुर श्रीनगर और बारामूला से जोड़ने वाली रेलिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह ब्रिज 1315 किलोमीटर लंबा और सी लेवल से 3559 मीटर ऊंचाई पर बनेगा। यह प्रोजेक्ट लगभग 5.12 बिलियन लागत से बनेगा। यह प्रोजेक्ट का मुख्य लक्ष्य है कि यात्रियों को जाने आने और गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफी योगदान देगा। यह प्रोजेक्ट इंडिया के मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक है। यह प्रोजेक्ट लगभग 2022 तक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, तीसरा इंफ्रा प्रोजेक्ट है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का प्रमुख लक्ष्य है इंडिया के बड़े शहरों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार लाना और एक्सप्रेसवे के आजू बाजू में रूरल एरियाज को डेवलप करना है। यह प्रोजेक्ट का काम 2019 में शुरू हुआ था। यह प्रोजेक्ट 1350 किलोमीटर लंबा है और यह प्रोजेक्ट 1,03,000 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। यह प्रोजेक्ट दो फेज में बनाया जाएगा। फेज वन में 8 लाइन का और सेकंड फेज में 12 लाइन का होगा। राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा कि यह प्रोजेक्ट 2023 तक पूरी तरह से बनकर रेडी हो जाएगा। दोस्तों, अगला इंफ्रा प्रोजेक्ट है मुंबई ट्रांस हर्बल लिंक प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट मुंबई की बढ़ती ट्रैफिक को देखते हुए बनाया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट 22 किलोमीटर लंबा समुद्री पुल है जो मुंबई के पूरे एरिया को कवर करेगा। यह प्रोजेक्ट कुल 14,000 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। यह पुल न्यू मुंबई में सेवरी से नावा सेवा को इस हार्बर लिंक से जोड़ेगा। यह पुल का पूरा काम पूरी तरह से कम्प्लीट होने के बाद भारत का पहला लंबा समुद्री पुल होगा। नंबर पाँच पे सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। यह प्रोजेक्ट में पार्लियामेंट और गवर्नमेंट रेसिडेंस को टोटली रीडेवलप किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट हिस्ट्री का सबसे महंगा प्रोजेक्ट होगा। यह प्रोजेक्ट का लगभग कॉस्ट 13,000 करोड़ का होगा और यह प्रोजेक्ट लगभग 2023 तक पूरी तरह से कम्प्लीट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसे इंडिया से जुड़ी प्रोग्रेसिव वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद दोस्तों।